अमेरिका की बड़ी मशहूर फोटोग्राफर रही हैं मार्गरेट बर्क, जिन्होंने युद्ध से लेकर न जाने कितने बड़े इवेंट्स की तस्वीर खींची है। गूगल पर जाकर अगर आप हीरा मंडी लाहौर लिख देंगे तो शुरुआती दो तीन तस्वीरों में से एक तस्वीर जो आएगी वो मार्गरेट बर्क ने ही खींची है। कुछ महिलाएं बाहर की ओर झांक रही हैं, ये लाहौर की हीरा मंडी की तस्वीर है। ये तस्वीर बता रही है कि आज़ादी से पहले लाहौर का हीरा मंडी कैसा दिखाई पड़ता था, लेकिन लगता है कि संजय लीला भंसाली या फिर उनकी टीम ने ऐसा गूगल सर्च नहीं किया था। कम से कम सोशल मीडिया पर हीरा मंडी का जो रिव्यू देखने को मिल रहा है उससे तो ऐसा ही मालूम पड़ता है। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को हैं तैयार हम, परवाना बना दीजिए। हीरा मंडी के एक सीन में एक एक्ट्रेस इस शेर को पढ़ रही है। सीन थोड़ा रोमांस वाला है लेकिन चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, और कुछ ऐसा ही पूरी की पूरी सीरीज़ में भी रहा है। हीरा मंडी से जुड़ी ऐसी ही क्लिप्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, मीम बनाए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि ये तो शायद ऐसी सीरीज भी नहीं है जिसे एक बार भी देखा जाए। खैर, आपको पूरी बात बता देते हैं। देश के नामी फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने OTT पर अपना डेब्यू किया है। नेटफ्लिक्स पर 1 मई को हीरा मंडी द डायमंड बाजार सीरीज रिलीज हुई है। सीरीज़ में 8 एपिसोड हैं जो करीब 1-1 घंटे के हैं। फिल्म की कहानी आज़ादी से पहले के वक्त की है जो लाहौर के हीरा मंडी से प्रेरित है। दिखाया गया है कि कैसे यहाँ रहने वाली महिलाओं ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। ये तो पूरी फिल्म का मर्म हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर तो मसाला ही आता है और इस सीरीज से भी आया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस सीरीज़ का एक्सरे ही कर दिया और अलग अलग एपिसोड से गलतियाँ निकालने लगे। इसी के बहाने लोगों को इस सीरीज़ को ट्रोल करने का मौका भी मिल गया। एक सीन है जहाँ सोनाक्षी सिन्हा का किरदार अखबार पढ़ रहा है। अखबार उर्दू का है और सीरीज़ के अनुसार समय 1920 या 30 के आसपास का है, लेकिन इसमें एक खबर छपी हुई है वो कोरोना की है, यानी साल 2022 की। फ्रंट पेज पर ही लिखा है कि यूथ कांग्रेस 50,000 मास्क बांटने की तैयारी में है। ट्विटर पर ये तस्वीर और ये दावा दोनों ही काफ़ी वायरल है। एक्स प्लेटफॉर्म जो पहले ट्विटर था, उस पर हमद नवाज ने एक पूरी थ्रेड बनाई है जिसमें हीरा मंडी सीरीज से जुड़ी हुई गलतियों को बताया गया है। हमद लिखती हैं कि आपने कहानी लाहौर 1940 की बताई है, लेकिन पूरा का पूरा माहौल आगरा का लग रहा है और उसमें भाषा लखनऊ वाली उर्दू की बोली जा रही है, जबकि लाहौर में तो अक्सर पंजाबी ही बोली जाती है। साथ ही हीरा मंडी की सभी किरदार, फिर चाहे वो मनीषा कोइराला हो या फिर अदिति राव हैदरी या फिर सोनाक्षी सिन्हा, हर कोई इस तरह सजा हुआ है कि मानो कोई फैशन वीक चल रहा हो। लेकिन अगर आप आज़ादी से पहले का लाहौर दिखाना चाहते हैं तो क्या वाकई वहाँ पर ऐसा था? सोशल मीडिया पर इस तरह की एक दो थ्रेड नहीं बल्कि इनकी पूरी की पूरी भरमार है जो संजय लीला भंसाली की इस वेब सीरीज़ की आलोचना कर रही हैं और बता रही हैं कि फिल्म में किस तरह से गलतियाँ हो रही हैं और किस तरह भंसाली शायद एक बेहतर पीरियड फिल्म बनाने से चूक गए हैं। सोचिए कि लोगों ने कितनी बारीकी से इस सीरीज़ का रिव्यू किया है। एक सीन है जो लाइब्रेरी में शूट हुआ है। अलमारी में कई किताबें रखी हैं। एक किताब रखी है जिसका नाम है पीर ए कामिल। ये किताब 2004 में उर्दू में लिखी गई थी। 2011 में इसका अंग्रेज़ी अनुवाद हुआ था और फिर ये हीरा मंडी में कैसे पहुँच गई, ये भी सवाल है। इसके अलावा भी ना जाने कई कितने सवाल हैं जो हीरा मंडी से निकल कर सामने आए हैं। बॉलीवुड वालों या फिर फिल्म डायरेक्टर्स को अब ये सोचना चाहिए कि अब वो ज़माना नहीं है कि जब दर्शक थिएटर में 3 घंटे बैठकर एक फिल्म को देखता है, थिएटर से बाहर निकलते ही सब कुछ भूल जाता है। ये OTT वाला ज़माना है जहां हर सेकंड पर पॉज करके कंटेंट देखा जाता है और ऊपर से ट्रोल करने वालों को तो ऐसे मोमेंट के लिए हमेशा तैयार रहना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें मीम भी बनाना है। अगर आपने भी हीरा मंडी देखी है तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।